हे गाइस नमस्कार। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते होंगे कि अच्छे हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग जो है कक्षा 12 की चैप्टर 3 अध्याय 3 स्टार्ट करने वाले हैं। अध्याय 3 क्या है? विद्युत चालन। तो आज हम लोग विद्युत चालन के बारे में पढ़ेंगे। विद्युत चालन को स्टार्ट करने से पहले गाइस आज हम लोग एक टॉपिक का अध्ययन करेंगे, विद्युत धारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। तो विद्युत धारा जानने से पहले विद्युत धारा की कहानी कहाँ से स्टार्ट हुई, विद्युत धारा क्या होती है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इन सबको जानने से पहले हम लोग जो है चैप्टर 1 में पढ़ा था आवेश के बारे में, पढ़े थे ना आवेश के बारे में। तो वहीं से स्टार्ट करते हैं हम लोग भाई। जब बात आती है कि चैप्टर 1 में अध्याय 1 में आपने पढ़ा कि आवेश को अगर एक जगह स्थिर कर दिया जाए, एक जगह उठा के रख दिया जाए, मैंने क्या बताया, अगर आवेश को एक जगह स्थिर कर देते हैं, एक जगह रख देते हैं, तो आवेश क्या उत्पन्न कर देता है, आवेश अपने चारों तरफ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर देता है। तो इसका अध्ययन जो जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं भौतिक की, वह शाखा स्थिर वैद्युत की कहलाती है, यानी स्थिर आवेश के बारे में अध्ययन करना स्थिर विद्युत की कहलाती है। इतना तो हमने पहले चैप्टर और दूसरे चैप्टर में यही सब पढ़ा। अब हम लोग क्या करेंगे, अगर मान लीजिए जो आपका आवेश है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक गतिशील हो जाए, एक स्थान से दूसरे स्थान तक चला जाए, तो क्या होगा वो आपको पढ़ना। तो आइए कुछ बातें हैं वो नोट करते हैं। आवेश, आवेश यदि आवेश स्थिर हो भाई, ये स्थिर हो, अगर आवेश स्थिर है रुका है, तो ये अपने चारों तरफ क्या उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है, अपने चारों तरफ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। और इन सब की जानकारी फिजिक्स के किस शाखा के अंतर्गत करते हैं, स्थिर विद्युतकी के अंतर्गत करते हैं, स्थिर विद्युतकी के अंतर्गत करते हैं। ये बातें आपको समझ में आई भाई। जब आवेश को हम लोग स्थिर करते हैं तो आवेश क्या उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। अब इसी आवेश को, यही चार्ज को, इसी चार्ज को हम लोग क्या कर दिए भाई, एक नियत चाल से इसे क्या कर दिए, गतिशील कर दिए। अगर आवेश आपका क्या हो गया, गतिशील हो गया नियत चाल से, नियत चाल से क्या हो गया, गतिशील हो गया नियत वेग से, नियत वेग, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ नियत वेग जरूरी है भाई। नियत वेग का मतलब होता है कि जैसे अगर आपका कोई बस 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलना स्टार्ट किया है, वो 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता रहे, उसके चाल में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए, वो होता है नियत वेग। ध्यान से, जैसे मैंने कहा कि अगर कोई इंसान 100 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से अगर दौड़ रहा है, तो भाई उतने ही रफ्तार से दौड़ना चाहिए, उसके चाल में कोई कमी या कोई बढ़ोतरी नहीं होगा, तो उसकी चाल नियत होगी। तो गाइस यदि आवेश जो है नियत वेग से क्या हो जाए, गतिशील हो जाए, तो भाई जब नियत वेग से गतिशील हो जाता है तो वो विद्युत क्षेत्र न उत्पन्न करके वो क्या उत्पन्न कर देता है, विद्युत धारा उत्पन्न कर देता है। क्या उत्पन्न कर देता है, विद्युत धारा उत्पन्न कर देता है। एक बार पुनः बोल रहे हैं, यदि आपका आवेश एक नियत वेग से क्या हो जाता है, गतिशील हो जाता है, तो वो क्या उत्पन्न करता है, विद्युत धारा उत्पन्न करता है। और इन सब का अध्ययन करने के लिए हम लोग कौन से शाखा का उपयोग करते हैं, फिजिक्स की कौन सी शाखा का उपयोग करते हैं भैया, या हम लोग इसे ही कहते हैं विद्युत चालन। क्या कहते हैं, विद्युत चालन। ध्यान से समझिएगा, हमने क्या बताया कि यदि आपका आवेश क्या हो जाए, नियत वेग से गतिशील हो जाए, तो वह विद्युत धारा उत्पन्न कर देता है। तो ये बातें आपको समझ में आई भैया, यदि आवेश स्थिर है तो क्या उत्पन्न करेगा, विद्युत क्षेत्र। अगर यही आवेश एक नियत वेग से क्या हो जाता है, गतिशील हो जाता, तो क्या उत्पन्न कर देता, विद्युत धारा उत्पन्न कर देता। तो आइए हम लोग विद्युत धारा को परिभाषित कर लेते हैं, विद्युत धारा की डिफिनीशन लिख लेते हैं। अब विद्युत धारा क्या होती है वो ध्यान दीजिएगा, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट ना, तो ध्यान दीजिएगा भाई विद्युत धारा क्या होता है, आवेश के प्रवाह दर को, आवेश के प्रवाह दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। तो आवेश की प्रवाह दर को विद्युत धारा कहते हैं ना। अब इसकी कुछ बातें जान लेते हैं, ये क्या होता है, क्या नहीं होता, कौन सी राशि है, अदिश है, सदिश है, टेंसर है, कौन सी है, पता करते हैं ना। तो आइए ध्यान दीजिएगा, तो आवेश इसको हम लोग इसके बारे में जानते हैं, कुछ बातें जानते हैं। जैसे कि यदि मान लिया जाए, यदि
क्या कहा जाए, इसकी पहली प्रॉपर्टी लिखा जाए, तो भाई इसका मात्रक वैज्ञानिक के नाम पे जो पड़ा, वैज्ञानिक के नाम पे जो पड़ा भाई, इसका मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर होता है, एम्पियर होता है। अभी जानेंगे एक एम्पियर क्या होता है, सब्र कीजिए, फिलहाल अभी जान लीजिए कि इसका मात्रक एम्पियर होता है। फिर दूसरी बात हमने क्या बताया कि दूसरी बात इसे हम लोग स्मॉल आई से व्यक्त करते हैं, किससे व्यक्त करते हैं, इसे स्मॉल आई से व्यक्त करते हैं, क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं, ठीक। और यह एक अदिश राशि है, कौन सी राशि है, अदिश राशि, यह एक कौन सी राशि है, अदिश राशि। अब जैसे ही हमने बताया यह एक अदिश राशि है, तो गाइज आपके मन में यह क्वेश्चन जरूर उठा होगा कि धारा में तो दिशा होती है, क्योंकि आपको बताया गया है। आइए हम समझाते हैं जरा सा, इधर इस ये समझने वाली बातें हैं कि कैसे हम लोग इसको अदिश राशि बता रहे हैं, धारा को कैसे अदिश राशि बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। बात ये है कि जब आप लोग कक्षा 10 में पढ़ रहे होंगे तो वहाँ आपको कोई ना कोई सर लोग बता दिए होंगे कि ये सदिश के नियम का पालन नहीं करती, ये सदिश के नियम का पालन नहीं करती, इसलिए धारा एक अदिश राशि होती है। तो भाई सदिश के नियम का पालन, सदिश का नियम है क्या, आप वो समझिए पहले। देखिए सदिश के योग का नियम क्या होता है, ये समझिए आप, सदिश के योग का नियम, सदिश हो, एक मिनट ये लिखते हैं, सदिश होने के लिए शर्त, होने के लिए शर्त क्या होता है, ये ध्यान दीजिएगा, और इधर अदिश के लिए, ठीक। तो अदिश में तो केवल परिमाण की आवश्यकता पड़ती है भाई, केवल मैग्नीट्यूड हो जाए, केवल परिमाण हो जाए तो वो अदिश हो जाएगी, उसमें दिशा नहीं होनी चाहिए, जान लीजिएगा। पर सदिश के लिए क्या चाहिए, सदिश के लिए दिशा भी चाहिए, परिमाण भी चाहिए, और सदिश के योग का नियम भी होना चाहिए, सदिश के योग का नियम का पालन भी करना चाहिए। तो भाई जो राशि इन तीनों चीज़ों को करती हैं, यानी परिमाण भी होगा, दिशा भी होगा, और सदिश के योग के नियम का पालन भी करेंगी, वो कौन सी राशि होती है, सदिश राशि होती है। अब देखिए आप तो ये दिशा और परिमाण तो दोनों जान रहे हो, पर अब दिशा कैसे जानोगे, सुनो भी, देखो इधर ध्यान दो, धारा यह कौन सी राशि है, अदिश राशि है। अब आइए कैसे हमने जान लिया कि यह सदिश राशि नहीं है, देखिए क्या करता है कि धारा क्या होता है, आपको पता है कि जब किसी तार में जो इलेक्ट्रॉन होता है, वो इलेक्ट्रॉन अगर इस दिशा में प्रवाहित हो रहा है तो तार में जो बहने वाली धारा होती है वो इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में फ्लो हो जाता है, यानी ये आई हो जाती है, ठीक। या तो आपको बताया गया होगा कि किसी भी परिपथ में जो बहने वाली धारा की दिशा होती है, किसी भी परिपथ में बहने वाली जो धारा की दिशा होती है वो धन से ऋण टर्मिनल की तरफ होता है। क्या हमने बताया, धन से ऋण टर्मिनल की तरफ होता है। देखिए करंट की जो दिशा है वो धन वाले यानी पॉजिटिव सिरे से निगेटिव सिरे की तरफ होता है, हमेशा यही बताया जाता है गाइज कि जो कोई भी परिपथ हो उसमें बहने वाली जो धारा होती है वो पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की तरफ होता है, अर्थात धारा में दिशा भी होती है। अब धारा में परिमाण भी होता है, जैसे 5 एम्पियर 3 एम्पियर मान लीजिए कि ये क्या बह रहा है, 5 एम्पियर की करंट फ्लो हो रहा है, तो ये 5 वहाँ क्या है, उसका मैग्नीट्यूड है, 5 वहाँ क्या है, परिमाण है, ये बात आपको समझ में आ रहा है ना। तो भाई धारा में परिमाण भी है, दिशा भी है, तो ये सदिश राशि होनी चाहिए। पर गाइज ये सदिश के योग के नियम का पालन नहीं करती, इसीलिए इनको कौन सी राशि कहा जाता है, अदिश राशि। अब आओ भाई सदिश के योग के नियम का पालन क्या होता है, पहले उनको समझिए। ये दोनों चीज़ें समझ में आई कि धारा में दिशा भी है, परिमाण भी है, तब भी सदिश राशि नहीं है। आइए क्यों नहीं है देखते हैं। सदिश के योग के नियम का क्या होता है, यदि कोई जो बल है, देखिए यदि कोई बल 5 न्यूटन का बल हम लोग इधर की तरफ लगा रहे हैं और यही 5 न्यूटन का बल इधर की तरफ लगा रहे हैं, तो ये देखिए 5 न्यूटन का बल आप इधर लगा रहे हो, 5 न्यूटन का बल इधर लगा रहे हो, तो दोनों को जोड़ोगे तो 5 न्यूटन - 5 न्यूटन बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी जो ये वस्तु है, जिस वस्तु पे आप 5 न्यूटन का बल लगा के इधर से और 5 न्यूटन का बल लगा के उधर से ठेल रहे हैं, तो पूरे जो बल का मान होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
तो सदिश के योग का नियम यहाँ ये है कि किन्हीं दो सदिशों को जब जोड़ते हैं यदि उनकी दिशाएं विपरीत होती हैं तो सदिश का योग शून्य हो जाता है, या सदिश के योग को जोड़ते समय उस समय हम लोग क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। फिर से पुनः हम अपने बातों को रिवीजन करते हैं, पुनः बोलते हैं जिससे कि आपका क्लियर हो जाए। भाई देखिए कि किन्हीं भी दो सदिशों को जोड़ने के लिए अगर उनका परिमाण बराबर है तो भाई परिमाण बराबर हो और दिशा विपरीत हो तो दोनों सदिश की मान शून्य हो जाते हैं। अगर दोनों सदिश अगर यहीं पर अगर ये 5 न्यूटन का बल लगा के इधर और 5 न्यूटन का बल इधर लगाते थे तो जब दोनों सदिश एक ही दिशा में होते हैं तो परिणामी उनकी क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो 5 5 कितने हो जाते हैं, 10 न्यूटन हो जाते हैं। यदि यही कोई दो सदिश इस प्रकार हो जाए, 5 इधर बल लगा दे और इधर बल लगा दे, बीच में क्या बन जाए, थीटा बन जाए, तो वहाँ के लिए कौन सा बल हो जाता था, वहाँ के लिए बल हो जाता था, मान लेते हैं कि ये लगने वाला जो 5 न्यूटन है वो क्या है, F1 है, और ये जो 5 न्यूटन है ये क्या है, F2 है। तब अब बताइए परिणामी बल आप कैसे निकालोगे, तो हाँ परिणामी बल कैसे निकालते हैं जानते हैं, वहाँ पर परिणामी बल होता था F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1F2 इनटू कॉस थीटा अंडर रूट में। ये कक्षा 11 में सारी चीज़ें पढ़ाई गई होंगी आप लोगों को गाइज, आप लोग नहीं पढ़े हैं तो हम उसको रिपीट करा रहे हैं भाई, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1F2 इनटू कॉस थीटा, ये यहाँ के लिए था। तो सदिश के योग के नियम आपको समझ में आए, यानी यदि दोनों सदिश विपरीत होंगे, परिमाण बराबर होगा तो सदिश का योग हमेशा शून्य होगा, दिशाएं एक ही तरफ होगा तो सदिश हमेशा क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो क्या धारा इस नियम को पालन करती है, आइए हम आपको समझाते हैं। एक डायग्राम लेते हैं, वो डायग्राम क्या है, इधर देखिए, यदि मैं कहूं कि ये 3 एम्पियर या 5 एम्पियर जो भी लेना चाहो, 3 एम्पियर की धारा इधर फ्लो हो रही है ठीक, और एक दिशा में, और उसके बाद दूसरी दिशा में क्या हो रही है कि ये ऐसे समझिएगा, एक मिनट इसको जरा से ऐसे करते हैं, ये मूव करते हैं, एक लाइन बनाते हैं और एक लाइन ये बनाते हैं ठीक, ये 6 एम्पियर की करंट फ्लो हो गई और ये इधर हो गई, और इधर जो है एक बल्ब यहाँ पर लगाते हैं समझाने के लिए आपको, और एक बल्ब यहाँ पर लगा देते हैं ठीक। तो ये 6 एम्पियर की धारा यहाँ से चली, यहाँ किसी स्रोत से 6 एम्पियर की धारा चली, अब ये जो 6 एम्पियर की धारा यहाँ से चली तो कुछ एम्पियर की धारा मान लेते 3 एम्पियर की धारा इधर बढ़ गई, 3 एम्पियर की धारा इधर बढ़ गई। तो देखिए ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हुए, जस्ट ऐसा स्थिति, जस्ट ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई ना। अगर धारा आपकी सदिश राशि होती, ध्यान दीजिए, अगर धारा आपकी सदिश राशि होती तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हो गए, तो ये दोनों शून्य हो जाते, ये दोनों शून्य हो जाते, अर्थात बल्ब आपका नहीं जलता। पर ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता गाइज, यहाँ ये भी बल्ब जलता रहता है, ये भी बल्ब जलता रहता है, अर्थात धारा जो होता है सदिश के योग के नियम का पालन नहीं करती। पुनः एक बार बोल रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, इनकी दिशाएं विपरीत हैं तो परिणामी शून्य हो जाना चाहिए, परिणामी शून्य नहीं होता, इसलिए धारा कौन सी राश होती है, धारा कौन सी राश होती है, अदिश राश होती है। तो बात आपको समझ में आया, अगर गाइज आज ये आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा कि धारा कैसे आपकी अदिश राश हुई, तो भाई वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए इतनी ज़्यादा मेहनत किया जा रहा है गाइज कि आप उसको आकलन कर सकते हो। तो चलिए अब आपको समझ में आ गया यह कौन सी राश होती है, अदिश राश होती है। अब अगर एक अदिश राशि होगी, यदि हम मान लेते हैं भाई कह रहा ना कि आवेश की प्रवाह दर, तो इसको लिखते हैं, यदि मानते हैं, यदि dt सेकेंड में dq आवेश प्रवाहित हो क्या हो, तो प्रवाहित होने वाली धारा तात्क्षणिक धारा। अब आप पूछो कि भाई तात्क्षणिक धारा क्या होती है, तो आप देखिए आपने लिखा है ना dt क्या होता है, सूक्ष्म समय होता है, कम से कम समय, अल्प समय, तो अल्प समय में dq आवेश, तो अल्प समय में अल्प आवेश प्रवाहित हुआ ना, तो कम से कम समय में आवेश कम आवेश प्रवाहित हो रहे हैं भाई, कम से कम समय में dq आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो प्रवाहित होने वाली जो धारा होगी, आवेश की जो फ्लो होगी, वो क्या कहलाएगी भाई, तात्क्षणिक धारा कहलाएगी। तो तात्क्षणिक धारा बराबर हो जाएगा I, यहाँ लिखते हैं तात्क्षणिक धारा I
तात बराबर कितना हो जाएगा, तात क्षणिक बराबर कितना हो जाएगा, डी क्यू अपान कितना आ जाएगा, डी टी, डी क्यू अपान कितना आ जाएगा, डी टी। ये हो गया एक तात क्षणिक धारा का फार्मूला, ये क्या हो गया तात क्षणिक धारा का फार्मूला। एक होता है औसत धारा, क्या होता है औसत धारा, तो इसको हम यहाँ से मूव करते हैं, मूव करके जो है हम लोग औसत धारा का भी व्यंजक निकाल लेते हैं। तो भाई चलिए, तो अब औसत धारा का फार्मूला निकालते हैं। तो यहाँ औसत धारा का फार्मूला क्या मिल जाएगा, ध्यान दीजिएगा, औसत धारा, तो औसत धारा आई ए बी, आई ए बी मतलब आई एवरेज, इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा क्यू अपान डेल्टा टी, डेल्टा क्यू अपान डेल्टा टी, जहाँ डेल्टा क्यू बराबर आप लिख सकते हो क्यू टू माइनस क्यू वन, और डेल्टा टी बराबर लिख सकते हो टी टू माइनस टी वन। लिख दे रहे हैं, डेल्टा क्यू बराबर लिख सकते हैं क्यू टू माइनस क्यू वन, और डेल्टा टी बराबर लिख सकते हैं टी टू माइनस टी वन। ये बातें आपको ध्यान देना है। ये औसत धारा का व्यंजक है, ये आपका तात क्षणिक धारा का व्यंजक है। गाइज आपके मन में कई प्रकार का प्रश्न उठ रहा होगा कि तात क्षणिक धारा और औसत धारा क्या होता है, तो आइए इन दोनों पर एक सवाल का अभ्यास करते हैं, आपको ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा कि हम औसत धारा का क्या आपको बताना चाहते हैं और तात क्षणिक धारा क्या बताना चाहते हैं। आप अगर इसका स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीन शॉट लीजिएगा, फिर हम लोग आपके नेक्स्ट पेज पे चर्चा करते हैं कि औसत धारा और तात्क्षणिक धारा पे कुछ एक न्यूमेरिकल का अभ्यास करेंगे। आपको ज़रूर उम्मीद करते होंगे कि आपका क्लियर हो जाएगा कि तात्क्षणिक और औसत धारा क्या होता है। ठीक, तो गाइज आपका सवाल ये है, किसी चालक को इतना आवेश दिया जाता है, मान लीजिए कोई चालक है उसको हम लोग इतना आवेश देते हैं जहाँ टी समय है। अब क्या कर रहा है बताइए कि विद्युत धारा 2 से 4 सेकेंड के बीच उस चालक में विद्युत धारा कितना प्रवाहित होगी, 2 से 4 सेकंड के बीच में फ्लो होने वाला जो करंट है वो आपको बताना है। फिर एग्जैक्ट 5 सेकंड पे जो धारा होगी वो आपको बताना है। चालक है, समझ रहे ना, चालक को हम लोग इतना आवेश देते हैं, फिर उसके बाद जहाँ टी समय है, फिर क्या कह रहा है कि भाई बताइए कि विद्युत धारा 2 से 4 सेकंड के बीच कितना विद्युत धारा फ्लो होगा, कितना करंट फ्लो होगा वो आपको बताना है, साथ साथ में 5 सेकंड पर। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ दोनों चीज़ों में क्या अंतर है, यहाँ एग्जैक्ट टाइम दिया है कि आपको 5 सेकंड पर ही कितना करंट फ्लो होगा वो बताना है। तो भाई जब एक टाइम फिक्स टाइम दे दे तब वहाँ आपको ए और क्या पूछता है, कौन सा धारा पूछता है, गाइस ध्यान दीजिएगा, तब उस समय आपसे कौन सा धारा का चर्चा करता है। तो जब समय अंतराल देता है तो समय अंतराल देने से आप समझिएगा कि आपको क्या पूछ रहा है, औसत धारा पूछ रहा है। यहाँ पर कौन सा धारा हो जाएगा, औसत धारा हो जाएगा, और जब समय फिक्स रहता है तब कौन सी धारा हो जाती है, तात्क्षणिक धारा हो जाती है। अब आप कुछ समझे कि हमने आपको औसत धारा और तात्क्षणिक धारा का फार्मूला क्यों अलग अलग बताया था। यहाँ तात्क्षणिक धारा फिक्स समय के लिए रहता है, एक निश्चित समय के लिए निकाला जाता है, और जो औसत धारा होता है वो समय अंतराल होता है, 0 से 2 भी हो सकता है, 2 से 4, 4 से 6, कोई भी किसी भी समय, 2 समयों के बीच में जो धारा फ्लो होती है वो बहने वाली जो धारा होती है वो आपकी औसत धारा होती है, और तात्क्षणिक धारा किसी भी क्षण एक निश्चित समय में फ्लो होने वाला जो धारा होती है वो तात्क्षणिक धारा होती है। आइए गाइस, तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे औसत धारा, पहला पोर्शन। तो आई एवरेज औसत धारा का फार्मूला हमने बता के रखा है, डेल्टा क्यू अपान डेल्टा टी, ये बात हो गई। जहाँ डेल्टा क्यू बराबर क्या हमने बताया था, क्यू टू माइनस क्यू वन बटे डेल्टा टी बराबर टी टू माइनस टी वन रख लिए। ठीक, अब प्रश्न उठा कि भाई Q2 का मान कहाँ से आया और Q1 का मान कहाँ से आया ना, तो आ जाइए फटाक से Q2 और Q1 का मान निकाल सकते हैं। देखिएगा आपके लिए ये जो T1, ध्यान दीजिएगा, ये आपका T1 दो है और T2 क्या है, 4 सेकंड है। पहला समय आपका 2 सेकंड है, दूसरा क्या है, 4 सेकंड है। तो ध्यान दीजिएगा T1 बराबर 2 सेकंड, T1 बराबर कितना, 2 सेकंड पर Q का मान कितना होगा। तो जब T1 हो जाएगा तो Q के स्थान पे क्या हो जाएगा, Q1 हो जाएगा। फिर से पुनः बोल रहे हैं कि जब हम लोग T1 बराबर 2 रखेंगे तो ये Q क्या हो जाएगा, Q1 हो जाएगा। तो यहाँ 5 गुणित T के स्थान पे क्या रख रहे हैं, 2 रख रहे हैं, तो 2 का स्क्वायर प्लस कितना, 2, तो 5, 2 दूनी 4, 5 20, 2 22, तो ये कितना आ गया, 22।
तो Q1 का मान कितना आ गया, 22 कूलाम आ गया। कितना आ गया, 22 कूलाम। क्यों, क्योंकि जब हमने 2 सेकंड पे जो आवेश मिला था वो इतना मिल गया। अब अगला समय लेते हैं T2 बराबर 4 सेकंड पे, तो 4 सेकंड पर जो आवेश होगा वो Q2 होगा, Q2 हो जाएगा। तो यहाँ कितना है, 5 टी स्क्वायर, तो टी के स्थान पे 4 का स्क्वायर प्लस कितना, 2, तो 4 चौके 16, 16 पंचे 80, 80 दो 82, कितना आ गया, 82 कूलाम चार्ज यहाँ पर आ गए। भाई 2 सेकंड पे जो आवेश फ्लो हो रहा था वो 22 कूलाम था, और 4 सेकंड पे जो आवेश फ्लो हो रहा है वो 82 कूलाम है। तो अब आपको क्या निकालना है, आई एवरेज निकालना। आइए, आई एवरेज बराबर क्या होगा, Q2 माइनस Q1, Q2 कितना है, 82 है, और Q1 कितना है, 22 है, कितना है, 22 बटे T2 कितना है गाइस, T2 कितना है आपका, 4 है, और T1 कितना, 2। तो 82 में से 22 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। फिर उसके बाद 4 में से 2 घटा देंगे, 2 भाग दे देंगे, तो 30 एम्पियर आ जाएगा। 30 एम्पियर कितना, औसत धारा कितना हो जाएगा, 30 एम्पियर हो जाएगा। बात समझ आ रही ना, जब समय अंतराल दिया जाता है तो औसत धारा 30 एम्पियर आ गई। अब हम लोग चर्चा करते हैं तात्क्षणिक धारा यानी सेकेंड पार्ट की। इधर इधर से हटा के इधर निकालते आइए, तात्क्षणिक धारा किसकी, तात्क्षणिक। तो तात्क्षणिक धारा आई एवी, आई एवरेज, एक आई तात ना, आई तात, आई तात्क्षणिक धारा बराबर आपने फार्मूला पढ़ा था, डेल्टा क्यू अपान डेल्टा टी। डेल्टा क्यू अपान क्या हो गया, डेल्टा टी हो गया। अब डेल्टा क्यू, तो डेल्टा क्यू क्या है भाई, देखिए आप, सॉरी डेल्टा क्यू नहीं है, तात्क्षणिक धारा का फार्मूला डी क्यू अपान डी टी है ना, कितना है, डी क्यू अपान डी टी। तो क्यू का मान रखते हैं, तो क्यू का मान कितना है, 5 टी स्क्वायर प्लस 2, तो यहाँ डी अपान डी टी क्यू का मान कितना आ जाएगा, 5 टी स्क्वायर प्लस कितना आ गया, 2, ये आई तात का मान आ गया। ठीक, आइए, डी अपान डी टी का मतलब होता है कि अवकलन करना। डी अपान डी टी का मतलब क्या होता है, अवकलन करना। तो आप यहाँ अलग अलग से सबका अवकलन कर दोगे, डी अपान डी टी 5 टी स्क्वायर का अवकलन करेंगे, फिर प्लस डी अपान डी टी 2 का अवकलन कर देंगे। तो गाइज आपने ये समा अवकलन का फार्मूला जरूर पढ़ा होगा, कक्षा 11 में गणित में पढ़ाया गया होगा। अगर गाइज नहीं आपको आते अवकलन के सामान्य फार्मूले या सामान्य तरीके से अवकलन करना, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, तो उसके लिए एक अलग सी वीडियो बनाई जा सकती है कि भाई अवकलन और समाकलन, साधारण अवकलन समाकलन कम से कम तो आने चाहिए। चलिए अब क्या करते हैं, यहाँ से 5 बाहर हो जाएगा, 5 का अवकलन नहीं कर पाएंगे, तो 5 बाहर हो जाएगा, तो डी अपान डी टी क्या हो गया, टी स्क्वायर हो गया। यहाँ से इसका पूरे का अवकलन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 2 के पास टी का कोई फंक्शन नहीं है, तो हम केवल यहाँ टी का अवकलन कर पा रहे हैं, तो ये अवकलन का पद 0 हो गया। अब देखिए टी स्क्वायर का अवकलन करते हैं, तो ये 5 आ गया। तो इसका, इसके लिए फार्मूला हम लोग लगाते हैं x के पावर n का, तो x के पावर n का अवकलन क्या होता है, सूत्र लिख दें, चलिए तो हम लोग सूत्र लिख देते हैं। सूत्र क्या होता है, x के पावर n जब ऐसा रहे, डी बाई डी एक्स एक्स के पावर n रहे, तो इसका फार्मूला होता है एन एक्स एन माइनस वन, ये हो जाता है एन एक्स एन माइनस वन। इस सूत्र का हम लोग उपयोग करेंगे और इस फंक्शन का क्या कर लेंगे, अवकलन कर लेंगे। तो आइए अवकलन करते हैं, तो ये कितना आ गया, 5 आ गया, डी अपान डी टी है ना, तब डी अपान डी टी का अवकलन कर, टी स्क्वायर का अवकलन करना। देखिए यहाँ क्या है, एक्स की पावर एन था, तो जो पावर था वो आगे आ गया, तो ये पावर आपका आगे आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 2, फिर टी के पावर कितना, ये पावर में से एक घटा रहे हैं, तो 2 माइनस कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, प्लस 0, फिर इतना 5, 2 में से एक घटाए 1, तो 5 गुणे 2 टी, 5 दूनी 10, तो 10 टी आ गया, जहां टी का मान कितना है, कितने सेकंड पे पूछा है, 5 सेकंड पर, तो 5 सेकंड अगर रख दें तो 10 गुणे 5 बराबर कितना, 50 एम्पियर। तो आई तात यानी पाँचवें सेकंड पर जो आपका धारा होगा वो 50 एम्पियर के बराबर होगा। तो इस प्रकार ये तात्क्षणिक धारा हो जाएगी, और जो आपका ये कौन सा धारा हो जाएगा, जो आपने ये निकाला था, कहाँ गए, यहाँ निकाले हैं ना, कहाँ गया भैया, यहाँ, जो ये 30 एम्पियर धारा निकाले हो, ये कौन सी धारा हो जाएगी, औसत धारा। तो अब गाइज आपको औसत धारा और तात्क्षणिक धारा में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए,
औसत धारा कब निकाल लेते हैं, जब समय अंतराल दिया जाता है। तात्क्षणिक धारा कब होता है, जब समय कोई फिक्स रहता है। तो गाइज आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। आई होप आज की वीडियो, आज का लेक्चर आपको पसंद जरूर आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए आए होंगे तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और दोस्तों के साथ आज के सेशन को ज़बरदस्त शेयर कीजिएगा, और आप लोग अपना प्यार बनाए रखिएगा इस चैनल के साथ। मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू ऑल डियर स्टूडेंट।